हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक बीमारी जिसका नाम है एल्जाइमर्स डिजीज़। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर एल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होता है। एल्जाइमर्स डिजीज़ का मतलब है कि भूलने की बीमारी। एल्जाइमर्स डिजीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडिंग कॉज है डिमेंशिया का। आप कह सकते हो कि डिमेंशिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ये रीज़न है। इसमें पर्सन का जो मेमोरी है वो प्रोग्रेसिवली काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग जाती है, पर्सन फॉरगेटफुल होने लग जाता है, पर्सन को बहुत ही छोटी छोटी बातें याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी मेमोरी वीक होती है, इसके अलावा इनका जो रीजनिंग स्किल है, जो थिंकिंग स्किल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाता है धीरे धीरे। टाइम टू टाइम वो उसमें भी अच्छे नहीं रहते, इनकी मेमोरी के साथ इनकी थिंकिंग और रीजनिंग भी ख़राब होने लग जाती है। तो अब मैं आपको एल्जाइमर डिजीज़ होने का कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है ये बीमारी होने का। तो सबसे पहला तो यही है कि जेनेटिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज भी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को एल्जाइमर डिजीज़ है तो आपको भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एडवांसिंग एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। ज़्यादातर ये उन्हीं लोगों में देखा जाता है जिनकी एज बढ़ती जा रही है, ओल्ड एज में जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है उनके ब्रेन सेल्स उतने ही वीक होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, जिसके वजह से पर्सन की मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा असर होता है। इसके अलावा हेड ट्रॉमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी पर्सन को सर पे चोट लगी थी जो कि बहुत ही सीवियर टाइप का था, तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर ये बीमारी हो सकती है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपका बीपी बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहता तो आपको इन फ्यूचर ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि आखिर जिस पर्सन को एल्जाइमर्स डिजीज़ है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम तो यही है कि जिस पर्सन को ये बीमारी है उसकी उसको लॉस ऑफ मेमोरी होगा, और जैसे कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारी उनकी बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, और जैसे जैसे एज एडवांस होगी इन लोगों के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस आप देख सकते हो। इसके अलावा थिंकिंग एबिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा कम होगी, इनकी रीजनिंग कम होगी, कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भी ये डिक्रीज़ हो जाएंगे। पर्सन इस हद तक भी फॉरगेटफुल हो सकता है कि वो वेल नोन लोगों को भी ना पहचाने, उनका नाम भूल जाए, कई बार ये जगह को भूल जाते हैं। तो इनका धीरे धीरे इनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होने लग जाती है कि ये इतनी छोटी सी बात को भी याद नहीं रख पाते। मेमोरी लॉस के साथ ही साथ इनकी जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग जाती है। ऐसे लोगों को इन फ्यूचर डिप्रेशन होने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा मूड स्विंग भी इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को एल्जाइमर्स डिजीज़ होता है उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी जल्दी चेंज होने लग जाता है। इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। इसके अलावा इनके अंदर आप सोशल विड्रॉवल भी देख सकते हो, ये घुलना मिलना फिर ज़्यादा पसंद नहीं करते इस बीमारी के वजह से। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मेडिसिन जैसे कि आप एनाकार्डियम 200 का यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप कैलिफोर्स 200 का भी यूज़ कर सकते हो, कैनाबिस इंडिका 200 भी इस बीमारी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसके अलावा ऑरम मेट 200 भी बहुत ही आप कह सकते हो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये चारों मेडिसिन आप एक साथ यूज़ कर सकते हो अगर किसी पर्सन को एल्जाइमर्स डिजीज़ है तो। ये मेडिसिन आपको दिन में दो बार लेना होगा, 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर। तो अगर आप इस कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो या किसी और बीमारी के लिए आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।